हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं कर रही हूँ अपनी मम्मी जी के रूम की सफाई। और ये जो आप लोग देख रहे हो कितना गंदा फैला हुआ है, सब कुछ सामान इधर से उधर पड़ा हुआ है। पहले मैंने सारे बिस्तर हटा दिए हैं यहाँ से, क्योंकि वो सारे बिखरे पड़े हुए थे। और आलिया भी आ गई हैं खेलने के लिए, तो आलिया बिस्तरों के ऊपर चढ़ रही हैं। और वो खेल रही थी तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं गिर नहीं जाए, इसलिए मैंने बोला आलिया तुम नीचे उतर जाओ। तो अभी मैं सबसे पहले टाट की सफाई कर रही हूँ। तो मैंने ये सारे बिस्तर अच्छे से तय करके लगा दिए हैं। तो यहाँ पे मैं सोफ़ा कवर थे और जो कुछ बेडशीट बची हुई थी तो वो मैं यहाँ पे रख रही हूँ। और अभी मैं इस वाले पार्ट का भी सामान निकाल लेती हूँ। तो इसमें दाल वगैरह और भी जो सूखे मसाले हैं वो सब एक्स्ट्रा में रखे रहते हैं। और जो बर्तन धोने के साबुन हैं या नहाने धोने के साबुन हैं वो भी यहाँ पे रखे रहते हैं। और इन्वर्टर भी हमारा यहीं पे लगा हुआ है। तो यहाँ से मैं ये सारे साबुन वगैरह निकाल रही हूँ, क्योंकि इधर से उधर पड़े हुए थे वो। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छे से सेट करके रख देखो, और काफ़ी टाइम से सफाई भी नहीं हुई थी तो सफाई भी हो जाएगी साथ में। तो मैं सफाई कर रही थी और उसी टाइम पे भाई हमारा ये सारे बर्तन धोकर रख रही थी। तो मम्मी यहाँ पे जो सब्जियाँ रखी हुई थी वो भाई को दे रही हैं पॉलीथिन में। तो यहाँ पे मैं डिब्बे वगैरह साफ करके रख रही हूँ, और जो भी सामान पड़ा हुआ था इधर से उधर तो वो एक ही डिब्बे में करके रख रही हूँ। तो मैंने सारी सफाई कर दी है और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ एक बारी।
तो अब मैं इस साइड की भी सफाई कर रही हूँ। तो घड़ी वगैरह मैंने सब साफ़ कर दी है, और उसके बाद मैं अलमारी के ऊपर जो सामान पड़ा हुआ था वो भी मैं साफ़ करके उसको एक बैग में रख रही हूँ, क्योंकि वो इधर उधर पड़ा हुआ था और छोटा छोटा सा सामान था पन्नियों में भरा हुआ था, इसलिए फिर मैंने एक ही बैग में रख दिया है उसको। तो अब मैं कूलर भी साफ़ कर रही हूँ, कूलर में बहुत सारी मिट्टी जमा हो गई थी, और पंखा भी। तो सफाई सारी हो गई है, उसके बाद मैं अब लगा रही हूँ झाड़ू। मम्मी जी के रूम की सारी सफाई हो गई है, और अब मैं कर रही हूँ पापा जी के रूम की सफाई। तो पापा जी के रूम की बेडशीट चेंज नहीं करी है, क्योंकि मैंने कल ही करी थी वो बेडशीट चेंज, इसलिए वही की वही है। और आप लोग देख सकते हैं रूम की सारी सफाई हो गई है। शाम के टाइम हम लोग गए थे मार्केट किसी काम से, लेकिन रास्ते में ही हमें एक ये छोटा सा मेला मिला, तो हम लोग उसमें भी चले गए थे। तो बारिश काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, तो उसकी वजह से बहुत सारी कीचड़ वगैरह हो गई थी, तो इसलिए, और मेला पूरा ढंग से लगा भी नहीं था, बच्चों के जो झूले वगैरह थे वो नहीं लगे हुए थे, बाकी सारी दुकानें लग चुकी थी, और काफ़ी दुकानें ऐसी ही पड़ी हुई थी जो लग रही थी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अचार पापड़ उकड़ी वगैरह मिल रही है, सारा सब कुछ तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे। तो हम लोग को नहीं पता था कि यहाँ पे ये मेला लग रहा है, नहीं तो हम लोग आलिया को लेकर आते साथ में, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो आलिया और को लेकर ज़रूर जाएंगे। तो यहाँ पे यही देख रहे हैं कुछ स्लीपर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं स्लीपर पहन के देख रही थी कि मेरे बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो अब मैं आ गई यहाँ पे, ये खट्टी मीठी गोलियाँ मिल रही थी, और ये भैया बोल रहे थे ये हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं, तो इसलिए हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, और मुझे अच्छी लगी तो मैंने एक दो चीजें इसमें से ली हैं।
तो यहाँ पे ये मग सेट बहुत ही प्यारे लग रहे थे मुझे, बहुत ही अट्रैक्टिव से थे, मतलब बहुत ही अच्छे कलर और डिज़ाइन भी बहुत अच्छे थे इन भैया के पास में, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो यहाँ से हम लोग ने लिए हैं भी मग, वो मैं आप लोगों को घर जाके बताऊंगी कि मैंने किस डिज़ाइन के लिए हुए हैं। तो मेले से अब हम लौट के जा रहे थे, रास्ते में हमें ये अग्रसेन वालों की रैली दिखी थी, तो वहाँ पे बड़ा ही अच्छा लग रहा था और बहुत सारे डीजे वगैरह लगे हुए थे, उनके साथ में चल रहे थे। तो आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छी सी और बहुत इफ़ेक्टिव होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ, जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो चीज़ मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, कम से कम एक महीने से यूज़ कर रही हूँ उस तेल को, तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ वही रेमेडी। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये ताज़ा एलोवेरा, और अगर आप लोगों के पास में ये ताज़ा एलोवेरा नहीं है तो आप लोग जो मार्केट में मिलते हैं एलोवेरा जेल वो यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे अभी मैं एलोवेरा के ये छिलके निकाल लेती हूँ और इसके जो साइड में जो कांटे लगे होते हैं उनको भी निकाल लूँगी। तो इसके बीच में जो गूदा है उसका हम ऑयल बनाएंगे, तो अभी मैं इसको निकाल रही हूँ एक बाउल में। तो मैं इस तेल को कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, मैं फ्रेश ऑयल बनाकर ही अपने बालों में यूज़ करती हूँ। तो अगर आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो आप लोग इसको बनाकर रख भी सकते हैं कुछ दिन के लिए। तो मैं यहाँ पे फ्रेश बनाती हूँ और फ्रेश ही अपने बालों में यूज़ करती हूँ। और इस ऑयल का इस्तेमाल आप लोग हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं और इसका बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट होता है हमारे बालों में। तो इसका गूदा मैंने निकाल लिया है और आप लोग देख सकते हैं, इसको हम अपने हाथों से मसल लेंगे जिससे इसका जो जेल है वो निकल आए। तो ये जेल निकल गया है, तो अब चलते हैं किचन में। तो ये बर्तन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है गैस के ऊपर। तो ये मैंने ले लिया है पैराशूट का कोकोनट ऑयल, मैं यही वाला यूज़ करती हूँ इसलिए मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ। आप लोग जो ऑयल यूज़ करते हो आप लोग वो ऑयल ले सकते हो, तो इसलिए अब मैं इसमें डाल दूँगी ऑयल। लेकिन हमारे बालों के लिए कोकोनट ऑयल ही बहुत अच्छा होता है, और आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं आप उतना ऑयल ले सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ अपने बालों के लिए, क्योंकि मैं जैसा ही बनाती हूँ वैसे ही मैं अपने बालों में अप्लाई कर लेती हूँ, मैं ज़्यादा बनाकर रखती नहीं हूँ। तो अब तेल हमारा हो गया था गरम, तो उसके बाद में मैंने डाल दिया ये एलोवेरा जेल। हम उसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, और इसको गोल्डन, जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है तब तक हम इसको चलाते रहेंगे, और गैस का फ्लेम हम एकदम लो कर देंगे और इसको बनने के लिए 15 से 20 मिनट रखते हैं। आप लोग इसको बस उबालना है इसको, और जैसे ही हमारा ऑयल तैयार होगा तो इसके जो एलोवेरा के जो पार्ट होते हैं वो ब्राउन होते जाएंगे,
तो हम समझ जाएंगे कि हमारा तेल अब बनके तैयार हो गया है। तो इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ ये 6 से 7 काली मिर्च। काली मिर्च हमारे बालों के लिए, हमारी आंखों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए हमने इसमें ऐड किया है। हमारा तेल बनके तैयार हो गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। और इसको ठंडा करने के बाद आप लोग छलनी से छानकर इसको यूज़ कर सकते हैं अपने बालों में। तो ये तेल बनके तैयार हो गया है और इसको हमने छान लिया है छलनी से ठंडा होने के बाद। तो मैंने इसको कम क्वांटिटी में ही बनाया है और मैं फ्रेश एलोवेरा का यूज़ करके ही मैं बना लेती हूँ जब भी मुझे ऑयलिंग करनी होती है बालों में। तो बस मैंने इतना बनाया है जितने हमारे बालों में लग सकता है। आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाकर रख सकते हो। जो फ़ायदे हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आपके बाल लंबे, घने और सिल्की हो जाएंगे और शाइनी भी हो जाएंगे। तो आप इस तेल का यूज़ कर सकते हो। और एलोवेरा तो वैसे भी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। नारियल का तेल मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मैं नारियल का तेल ही लगाती हूँ अपने बालों में। तो इसमें मैंने एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा डाला है। अगर आप लोगों के पास नहीं है एलोवेरा तो आप लोग जो मार्केट में मिलते हैं एलोवेरा, तो वो जेल, तो वो आप लोग यूज कर सकते हैं इसमें। और मैंने इसमें डाली है काली मिर्च, तो आप लोग काली मिर्च की जगह पे कैस्टर ऑयल भी डाल सकते हैं, वो भी हमारे लिए अच्छा होता है। और इसमें विटामिन ई कैप्सूल भी डाल सकते हैं। मैंने लिया है सिर्फ कोकोनट ऑयल और एलोवेरा, और लिया है मैंने ब्लैक पेपर। तो बस मैंने ये तीनों चीज़ों को तेल में गैस के ऊपर गर्म कर लिया था, उसके बाद में ये बनके तैयार हो गया है। तो आप लोग इसको ज़रूर लगाएं हफ्ते में 2 से 3 बार, तो बाल आपके बहुत ही शाइनी हो जाएंगे और लंबे भी हो जाएंगे। क्योंकि जो भी मैं यूज़ करती हूँ, जो भी मैं चीज़ लाती हूँ, वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर में ज़रूर करती हूँ। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि आप लोगों के साथ ये चीज़ भी शेयर कर देनी चाहिए। तो मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ। आप लोग भी यूज़ करके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का ये ऑयल कैसा लगा। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये आज की वीडियो और मेरी ये होम रेमेडी जो भी मैंने बनाई है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आप लोगों को वीडियो की नई नोटिफिकेशन मिल सकेगी। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।